वसीम, और मैं पाकिस्तान में लिक्विड नाइट्रोजन आइसक्रीम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ, और आई थिंक लाइट का थोड़ा सा प्रॉब्लम है, इसलिए मैं इसको एडजस्ट किया है। तो दोस्तों, लिक्विड नाइट्रोजन आइसक्रीम जो है ये बहुत ही कम सरमाए में आप ये कारोबार शुरू कर सकते हैं पाकिस्तान में। आपके पास जस्ट अगर मतलब 6-7 लाख रुपए हो तो आप ये बिज़नेस शुरू कर सकते हैं। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि जब मैंने ये चैनल बनाया और मैं इस पे मतलब आइसक्रीम की वीडियोस अपलोड करता हूँ और मतलब आइसक्रीम की रेसिपी, और लोगों को ये बताना चाह रहा हूँ कि लिक्विड नाइट्रोजन आइसक्रीम जो है ना पाकिस्तान में मतलब चले और इसका बिज़नेस चले। और बिल्कुल मेरा ये मतलब चैनल बनाने का और वो मतलब इसका मकसद ही यही है कि मैं इसके बिज़नेस के हवाले से जो है ना इस आइसक्रीम को पाकिस्तान में इंट्रोड्यूस करवाना चाह रहा हूँ कि इसके बिज़नेस से भी आप काफ़ी पैसे कमा सकते हैं। मैंने इससे पहले भी काफ़ी ट्राई किया कि मतलब लोगों को इसके बारे में नॉलेज हो और लोग जाने कि ये क्या है लिक्विड नाइट्रोजन, बट ऐसा कि लोग ध्यान नहीं देते मतलब। और हमारे जो बिजनेसमैन हैं, मेरा क्योंकि मतलब वास्ता पड़ता है बिजनेस से, अक्सर मतलब मेरी मतलब डीलिंग्स होती हैं बिजनेसमैन से। तो उस हवाले से मैं ये कहूँगा कि हमारे जो मतलब बिजनेसमैन हैं वो मतलब रिस्क टेकर्स नहीं है, मतलब वो रिस्क ले नहीं लेना चाह रहे कि ये आइडिया चलेगा या नहीं चलेगा। बट आई एम श्योर कि ये लिक्विड नाइट्रोजन आइसक्रीम का जो आइडिया है ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा बिजनेस करेगा। और कहना ये बात मतलब कबल अज़ वक्त होगी, लेकिन ये है कि मुझे जो उम्मीद है इससे कि जिस तरह से ट्रेंड है और जिस तरह से लोग पसंद करें, और जो लोग मतलब आइसक्रीम के शौकीन हैं और आइसक्रीम खाने का जो मतलब शौक रखते हैं, तो वो लोग जो आइसक्रीम खाने का शौक़ रखते हैं, तो वो अगर उनको नेचुरल आइसक्रीम मतलब जो नॉर्मली हम खाते हैं जो मतलब फ्रोज़न डेजर्ट के नाम से बिकता है उसको आइसक्रीम नहीं कहा जाता, लेकिन ये है कि ज़्यादातर लोग वही इसी को आइसक्रीम समझ के खाते हैं। और आइसक्रीम का जो बेसिक मकसद होता है खाने का, यानी कि अगर आप दूध का इस्तेमाल नहीं करते या आप मतलब डेली रूटीन में दूध नहीं पी सकते, या अपने बच्चों को अगर आप आइसक्रीम खिलाते हैं, तो बाज़ लोग ये कहते हैं कि आइसक्रीम जो है ना मतलब दूध का नहमल बदल है। तो अगर दूध के अल्टरनेट के तौर पे आप ले रहे हैं, तो उसमें आप अगर मतलब के वेजिटेबल फैट्स या इस तरह की चीज़ें खाएंगे, तो उसका तो कोई मेरे ख्याल से फ़ायदा नहीं। तो आइसक्रीम लव के लिए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मतलब फ्रेश फ्रूट से और दूध से जो बनी हुई आइसक्रीम है, और मतलब जो आपके सामने बनती है लिक्विड नाइट्रोजन आइसक्रीम है, लाइक तवा आइसक्रीम जो है जो आपके सामने बनती है फ्रेश आइसक्रीम है, आप उसे खा सकते हैं। तो होममेड आइसक्रीम भी जहाँ तक बात है, काफ़ी सारी मतलब कंपनीज ने जो बनाई है आइसक्रीम और जो बनाती हैं मतलब अच्छी आइसक्रीम भी जो लोग देते हैं, कुछ मतलब ब्रांचेस देते हैं, कुछ रेस्टोरेंट दे रहे हैं, कुछ आइसक्रीम पार्लर्स दे रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहता बिल्कुल कि मतलब कोई भी अच्छी आइसक्रीम नहीं दे रहा, लेकिन यही है, मैं मेरे कहने का मकसद ये है कि बहुत सारे लोगों को इस चीज़ का तो पता ही नहीं है कि आइसक्रीम और मतलब जो फ्रोज़न डेजर्ट वगैरह है उसमें डिफरेंस क्या है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहूँगा कि आइसक्रीम जो खाने वाले लोग हैं उनके लिए जो है कि मतलब बेहतरीन आइसक्रीम है, दुनिया की नंबर एक आइसक्रीम आप इसको कह सकते हैं। और इसमें आप मतलब टेक्सचर को कस्टमाइज़ करवा सकते हैं कि मतलब अगर आपको आइसक्रीम दूर लेके जानी है, या आइसक्रीम को काफ़ी देर तक आपने मतलब थोड़ा थोड़ा करके खाना है, या एंजॉय करने का आपका प्लान है, तो आप उसको हार्ड करवा सकते हैं, काफ़ी दूर तक लेके जा सकते हैं। और अगर आपकी मतलब आइसक्रीम जो है अगर आप मतलब कोई सॉफ्ट टेक्सचर चाहते हैं, क्वालिटी जो है और क्रीमी टच जो है जिसको कहते हैं, तो वो अगर आप मतलब चाहें तो आप उस तरह की भी बनवा सकते हैं। तो ये मैं कहना चाहूँगा कि लिक्विड नाइट्रोजन आइसक्रीम जो है ये बेहतरीन आइडिया है बिज़नेस के हवाले से भी, और आइसक्रीम की मतलब प्योरिटी के हवाले से भी। बिज़नेस के हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो लिक्विड नाइट्रोजन आइसक्रीम का आइडिया है
ये पाकिस्तान में मतलब कि मेरे ख्याल से जो है आइंदा 10 से 15 सालों में, आइंदा 10 से 15 साल में ये आइडिया जो है मतलब कि टॉप पे होगा बिजनेस में, बिजनेस के वाले से, और आइसक्रीम के बिजनेस में इसके मतलब अपने जो कंपेटिटर्स हैं उनको ये बीट करेगा, और इंशाल्लाह पाकिस्तान में ये आई होप सो कि ये मतलब टॉप पे होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी। सो मेरी वीडियोस अगर आपको पसंद आए तो आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि मेरी वीडियोस आपको मतलब तो आप तक मिलती रहें। बहुत